मेरा आईएक्स है, ये मैंने लिया था 215.92 में, ओके, ये कभी खरीदारी मैम? ये 2021 ओके, दो सौ और शेयर है। 200 शेयर आपने लिए 215 रुपये में, क्यों लिया था मैम उस समय? अभी पिंकी जी, क्या सोच के? ऊपर जा रहा था तो लगा कि भी अच्छा ही है, उस ओके, समय तो काफी हाई पे था। हाँ उस समय तो काफ़ी हाई पे था, इनफैक्ट आज भी वो हाई पहुंचा नहीं। ये यूजुअली बहुत सारे निवेशक उस समय पर IRCTC IEX ऐसे ही फंसे थे उनमें, IRCTC भी लिया था मैंने और IEX भी लिया था, दोनों तो दोनों साथ में लिए। वैसे हैं दोनों अभी आपके पास या निकल गए आप IRCTC में से भी? नहीं, अभी दोनों में हूँ, IRCTC में हूँ, लेकिन ओके अभी तो ऑन कॉस्ट टाइम हूँ। हाँ, IRCTC चला ज़्यादा है, IEX थोड़ा कम चला है। तो आज समय क्या करना चाहिए, इनके पास IEX के IEX शेयर में क्या हैं, करना चाहिए? 200 शेयर हैं, 215 रुपए के दाम पे खरीदारी है। IEX रिसेंटली चला भी है, लेकिन ये बात सही है कि 2021 में IEX IRCTC जितना चले थे उसके बाद वहां से टूटे और बहुत लोगों के पैसे अब तक बने नहीं उसमें। क्या करना चाहिए इनमें? देखिए, IEX में बने रहा जा सकता है क्योंकि जो अभी लास्ट वीक का मोमेंटम था वो बहुत स्ट्रांग था। इनफैक्ट काफी बढ़िया फॉर्मेशन चार्ट्स पे हो रही है, जिसे हम राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन भी बोलते हैं। मुझे लगता है कि ये अगर ऊपर में सस्टेन कर गया 173 175 के लेवल, यानी कि यहाँ से 10 रुपए ऊपर अगर ये वो वहां पे वापस जाता है और उसी लेवल्स पे ये टिकने की कोशिश करता है, तो बढ़िया तेजी वापस से लौटेगी जो इस काउंटर को ऊपर की तरफ ड्राइव करेगी। और इनिशियल लेवल के जो टारगेट्स रहेंगे वो तकरीबन 198 से लेके 200 के रहेंगे, तो आपकी कॉस्ट के काफी आसपास के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। मैं बने रहने की ही सलाह दूंगी। एक चीज जरूर हो सकती है कि थोड़ा दायरे में ये घूमता हुआ नजर आए, दायरा बना हुआ है 150 से 170 175 के बीच में, लेकिन जिस दिन 175 के ऊपर निकलना चालू किया 200 तक के लेवल्स तो आराम से दिखाने की क्षमता रखता है। मैम आप बने रहिए इस काउंटर पे, स्टॉप लॉस अगर आप चाहें तो 150 का रख सकते हैं। 150 का स्टॉप लॉस लेके पिंकी मैम आप बने रहो स्टॉक के अंदर।